श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं बालकाण्डं सप्तचत्वारिंशः सर्गः दितिवचनात् इन्द्रेण सप्तगर्भखण्डानां वायुस्कन्धसप्तकपालकत्वकल्पनं इत्युपेधातपूर्वमस्मिन्नेव दितितपश्चरणदेशे इक्ष्वाकुसूनु विशालो नाम विशालां पुरीं निर्ममे तदंश्यवायतन सुमतिरती सुमतेशंसन सुमतिनागम्य विश्वामूजन चाकते गर्भे दिति परम सहस्रा क्षम दुरादर्शम वाक्यं सानुनयाब्रवीत माध

सप्त चरंतु दिवि पुत्रकः पुत्रक मारुता इति विख्याता दिव्य रूपा ममात्मजाः ब्रह्म लोकम चरत्वेक इंद्र लोकम यथा परह दिव्य वायुरिति ख्यातः तृतीयोऽपि महायशः चत्वारस्तु सुरश्रेष्ठ दिशो वै तव शासनात् संचरिष्यन्ति बध्नन्ते कालेन हि नाम्ना वै इति विश्रुताः तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा त्वा सहस्राक्ष पुरं उवाच प्राणजलीर वाक्यं इतिदम् बलसूदनहं सर्वमेतद् अयो अतोक्तम् ते भविष्यति न सम्शयहं विचरिष्यन्ति भद्रन्ते देवरूपास्तवात्मजाः एवं तौ निश्चयं कृत्वा माता पुत्रौ तपोवने जग्मपुत्रस्त्रिविदत्रिदिवं राम कृतार्था विति न श्रुतं एष देशस्य काकुस्थ महेन्द्राद्युषितः दितिं यत्र तपस्सिद्धामेवं परिचचारसः इक्ष्वाकोस्तु व्या्रपुत्र परम धाक अलंबुषा अलंबुषाया अलं उत्पन्नो विशाल विश्रुता तेनासीह स्था विशाले पुरी सुतो राम हेमचंद्रो महाबलः सुचंद्र विख्या हेमचंद्रद सुचंद्रतनो राम धूम्राश्व धूम्राश्वतनयश्चापि सृजय समपद्यत सृजय सत सृजय से सुत श्रीमा सह देव प्रतापवान कुशाश्व सह पुत्र परम धाक कुशाश्व महातेज सोम प्रतापवान सोम पुत्रस्तु काकुत्स्थ विश्रुता तस्य पुत्रो महातेज Uh, सम्प्रत्यश पुरीमिमाम् आवसत् सुमतिनाम सुमतिर्नाम दुर्जयः इक्ष्वाकोऽस्तु प्रसादेन सर्वे वैशालिका नृपाः दीर्घायुषो महात्मानो वीर्यवन्तः सुधार्मिकाः इहाद्य रजनीमेकां सुखं स्वसा महे व्यय श्रेष्ठ जनक द्रष्टुमर्हसी सुमतिस्तु महातेजा विश्वामित्रमुपागमं उपागतम् विश्वामुपागत श्रुवा नरवरश्रेष्ठ प्रत्याग्छन महायशा पूजा च परमा सोपाध्याय सबाधव प्राजलि कुशल पृष्ठ विश्वाम धन्योस्म्यम अनुगृहीतोस्मी यस्य मे विषयं मुने संप्राप्तो दर्शनं चैव नास्ति धन्यतरो मम इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे सप्तचत्वारिंशः सर्गः